हाँ तो भाई लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे, आपके लाइफ है नंबर वन की चल रही होगी। तो देखो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए ट्रेलर रिएक्शन के बारे में जो फाइनली रिलीज हो गया है। नाम है उस मूवी का मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जो आने वाली है तेलुगु सिनेमा की तरफ से इसी 15 अक्टूबर में। तो उसी का ट्रेलर यार फाइनली आ गया और इसी का करने वाले हैं रिएक्शन। देखने वाले ट्रेलर कैसा लगा, कितना पसंद आया, क्या देखने को मिला, इन सभी बातों को आपको बताएंगे। फिर चलो बढ़ते अपनी वीडियो को, पर इस इंट्रो के बाद तो अगर पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में अगर आपको बताएं तो उसमें देखने को मिलने वाली है पूजा हेगड़े प्लस अखिल और इनसे लग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर। अब बात निकल के आती है क्या दिख रहा है पूरे ट्रेलर को देख के, क्या फील आया, क्या मजा आया देखने में, क्या खराब लगा, इन सभी बातों के बारे में। तो पहली बात तो ये पूरी तरीके से एक रूटीन स्टोरी लग रही है। तो पहली बात ये ट्रेलर से जो पता चल रहा है स्टोरी के बारे में वो लगभग लगभग वही होने वाला है जो लास्ट ईयर मैंने अखिल सर की दो मूवी देखी है, लगभग लगभग वैसा ही। शायद पहले उन्हें लड़की नहीं मिलेगी, फिर लड़की मिलेगी, शायद प्यार होगा, फिर दोनों बिछड़ेंगे, उसके बाद लास्ट में मिल जाएंगे, यही होने वाला है। फिलहाल तो ट्रेलर से यही देख के लग रहा है और ज्यादातर चांसेस है यही हो जाए, जो उनकी लास्ट दो मूवीज में लगभग सेम टू सेम ऐसा हो चुका है, लगभग बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही हो चुका है। हाँ थोड़ा बहुत सबकी स्टोरी लाइन अलग होती है, सबकी कहानी का स्टार्टिंग अलग होता है, सबका एंड अलग होता है, पर जो किसी भी स्टोरी का एक मेन पॉइंट होता है वो इसका भी लग रहा है, लव स्टोरी और कॉमेडी, जो साफ है ट्रेलर में देख के पता चला। हाँ कॉमेडी स्टार्टिंग में जो थी वो अच्छी थी, थोड़ा बहुत हंसाने में कामयाब हुई, जिसको आप सबटाइटल पढ़ के भी थोड़ा बहुत हंस सकते हो, पर लव स्टोरी मुझे ज्यादा इतना अच्छा नहीं लगा फिलहाल ट्रेलर को देख के। हो सकता है मूवी में ज्यादा हमें वो पसंद आए और ये लोग उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें, पर फिलहाल ट्रेलर को देख के तो लग रहा है कि यार कुछ अच्छा ट्राई करना चाहिए था, कुछ अलग ट्राई करना चाहिए अखिल को, मतलब कुछ अलग हटके। इस पॉइंट पर उन्होंने कई मूवी कर ली लगभग सेम पॉइंट पर, पर फिलहाल जो ट्रेलर की हाईलाइट लगी वो उसका बैकग्राउंड स्कोर था, वो पसंद आएगा आपको, इम्प्रेसिव लगेगा, मजा आएगा सुन के, वो एक अच्छा फील क्रिएट कर देता है, खासतौर पे एक रोमांटिक एंगल में उसको सुनकर एक सकून मिलता है। बाकी ओवरऑल जो देखने पे लग रहा है ट्रेलर में जो अखिल का लुक है ठीक ठाक है, पूजा हेगड़े कमाल की लग रही है, खूबसूरत तो वो है ही, बाकी इन लोगों से अलग भी तेलुगु सिनेमा के कुछ अच्छे एक्टरों की झलक देखने को मिलती है, जिनसे उम्मीद रहेगी कि कुछ कॉमेडी देखने को मिल जाए। ओवरऑल ट्रेलर ऐसा ही लगा, उम्मीद है कि मूवी थिएटर में आ रही है तो कुछ तो सोच के आ रही होगी और ऑडियंस को पसंद आए। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस ट्रेलर के ऊपर जाकर कमेंट बता सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, कुछ बोलना हो जाकर कमेंट बता सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।